प्रॉब्लम है जी, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ओवरलैपिंग इवेंट्स से मुतालिक। हम इसको थ्रू विन डायग्राम सॉल्व करेंगे। ए पेट स्टोर जस्ट गॉट इन ए शिपमेंट ऑफ 43 पैराकीट्स, ठीक है। स्मॉल साइज ये जो पैरट्स होते हैं, तोते होते हैं, उनकी बात करें, 18 आर लाइट ग्रीन जिसमें 5 फीमेल्स हैं और 13 मेल्स हैं, एंड 25 आर स्काई ब्लू जिसमें 15 फीमेल्स एंड 10 मेल्स हैं। यू रैंडमली चूज वन ऑफ द पैराकीट्स, फाइन जो ए पार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट ग्रीन मेल और स्काई ब्लू फीमेल, यानी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर हम लाइट ग्रीन मेल पिक करें या स्काई ब्लू पिक करें। देखिए और कंडीशन है, तो सबसे पहले अगर हम दो बॉक्सेस बनाएं, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो लाइट ग्रीन मेल है, ठीक है, लाइट ग्रीन मेल कितने हैं, 18 लाइट ग्रीन है और इसमें मेल कितने हैं, 13 है। तो इसका मतलब है 13 लाइट ग्रीन मेल है, लाइट ग्रीन और 7 मेल, ठीक है। आउट ऑफ टोटल कितने थे इसमें, यानी इसमें इसके टोटल 18 में से, या अगर आप टोटल 43 में से देखें तो 13 हमारे पास ऐसे जो लाइट ग्रीन मेल हैं। और उसके बाद है स्काई ब्लू फीमेल, स्काई ब्लू फीमेल अगर आप स्काई ब्लू पे चले जाएं तो 15 हमारे पास टोटल जो है 25 स्काई ब्लू हैं जिसमें 15 फीमेल्स हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं सेकंड बॉक्स बना लूँ एक डिफरेंट कलर का, तो इसमें मुझे कितने रखने हैं, 15, ठीक है, 15 हैं जो कि हैं स्काई ब्लू फीमेल। अब इसमें देखें कोई भी ओवरलैप नहीं है, इसमें ओवरलैप नहीं है, ये डिसजॉइंट इवेंट है। इसका मतलब है जैसे हमने ओवरलैपिंग से रिलेटेड बात की, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है ओवरलैपिंग आए, यहाँ पे ये डिसजॉइंट आ गया। तो डिसजॉइंट में तो ऑब्वियसली अगर ये वाले होंगे तो फिर ये नहीं होंगे, लाइक अगर कोई लाइट ग्रीन होगा तो जाहिर वो स्काई ब्लू नहीं हो सकता, अगर कोई मेल होगा तो ऑब्वियसली वो फीमेल नहीं हो सकता। तो इसमें कोई जो है वो ओवरलैप नहीं है किसी भी आउटकम के अंदर, दोनों इवेंट जो हैं वो जो है डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। तो इस केस में तो हम जानते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13 ओवर 43, यानी टोटल जो पैराकीट्स हैं 43 हैं, एंड प्लस 15 ओवर 43, तो ये कितना आ जाएगा, 15 प्लस 13 करेंगे 28 ओवर 43। तो फर्स्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट ग्रीन मेल और स्काई ब्लू फीमेल, वो 28 ओवर 43 होगी। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और स्काई ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और स्काई ब्लू। अब सबसे पहले अगर हम मेल की बात करते हैं, ठीक है, मेल कितने हैं, तो मेल दोनों के ऐड होंगे जाहिर है, मेल तो अगर यहाँ पे देखें तो मेल 13 मेल्स यहाँ पे हैं और 10 मेल यहाँ पे हैं, ठीक है, 13 मेल्स जो है वो वहाँ पे हमने देखे, 10 मेल्स हमने यहाँ पे देखे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम मेल की बात करते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 23, यानी बल्कि हम यहाँ पे ही करते हैं चूँकि हमारे पास ये सामने स्क्रीन मौजूद है, सब कुछ सामने है, तो लिहाजा हम इसी स्क्रीन के ऊपर इस पार्ट टू को सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, उसको मैं यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे अगेन हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। चलें जी, बल्कि हम यहाँ पे ही इसको सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और स्काई ब्लू। तो हम सबसे पहले देखें मेल कितने हैं, जैसे हमने काउंट किए मेल हैं 23 आउट ऑफ 43, ठीक है, 43। उसके बाद स्काई ब्लू देखें, अब स्काई ब्लू में, स्काई ब्लू कलर के अगर आप देखें तो स्काई ब्लू कलर में हमारे पास टोटल कितने हैं, 25, ठीक है, टोटल कितने, 25, तो ये आ जाएगा 25 ओवर 43, लेकिन 25 ओवर 43, लेकिन हम इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ओवरलैप मौजूद है। क्योंकि जब आप स्काई ब्लू को काउंट करें तो स्काई ब्लू में पहले आपने मेल्स को ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, स्काई ब्लू जब आपने काउंट किए तो पहले आपने मेल्स के टाइम में भी आपने 10 ये काउंट किए थे। इसका मतलब है ये दो दफ़ा हम इनको ऐड कर रहे हैं, लिहाजा हम अगर वेन डायग्राम के थ्रू जाएंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अगर आप देखें ये हमारे पास कितने हैं, ये अगर हम सपोज कर लें ये मेल है, ठीक है, और मेल और ये जो है सेकेंड, हम यहाँ पे ओवरलैप शो करते हैं और ये शो कर ले ये स्काई ब्लू है, ये स्काई ब्लू है। तो अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल अगर 23 हो और स्काई ब्लू अगर 25 हो, तो ये टोटल कितने बनते हैं, सॉरी 23 एंड 25, तो ये टोटल बन जाते हैं 48, टोटल बन जाएंगे 48। इसका मतलब है कि अगर हम काउंट करें,
अगर हम काउंट करेंगे टोटल जो हमारे पास पैराकीट्स हैं वो तो हैं ही 43, ठीक है, वो तो 43 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम हमारे यहाँ पे हमारा कोई चीज़ दो दफ़ा जो है वो कैलकुलेट हो रही है। सो वो क्या चीज़ है? ऑब्वियसली हमने मेल को 2 टाइम कैलकुलेट किया। अब अगर आप सिंपल स्काई ब्लू में मेल देखें तो वो कितने हैं? वो 10 है। स्काई ब्लू में अगर आप मेल देखते हैं यहाँ से तो वो कितने हैं? 10 है। इसका मतलब है अगर मैं 10 यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है, 10 ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली मेल भी हैं और स्काई ब्लू में भी आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मैं अगर 10 को सेपरेट कर दूँ, -10/43, तो ये आ जाएगा जी 48 -10 विच इज़ 38/43, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।